उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री आज शाम 6 बजे काशगंज पहुंचे, जहां पर आपको बता दें वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील के माता पिता की स्मृति दिवस पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने जनपद की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और 94 के सापेक्ष मात्र 34 चिकित्सकों के मामले में दावा करते हुए कहा कि जल्द ही पूर्ति कर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। हम आज सुनील जी के यहाँ स्मृति दिवस के रूप में उनको माता पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं को कहीं कोई दिक्कत हम काशगंज में नहीं होने देंगे। अभी सीएमओ को अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बुला रखा है और जितनी भी सेवाएं यहाँ आवश्यक है सारी हम पूरी करेंगे और एक एक बिंदुवार समीक्षा भी करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग अपने देश में संविधान का सम्मान करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसका हम अनुपालन करेंगे। सर, ज्ञानवादी मामले में देखिए मामला भी अच्छा अदालत में चल रहा है और जब तक कोई मामला अदालत में विचाराधीन है हम लोगों को कमेंट करने का अधिकार नहीं। आपको पता है फर्जी मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है और जो वास्तव में ठीक से चल रहे हैं उनको और बेहतर कराने के लिए हमारी सरकार काम करेगी और जो गैर कानूनी या गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं या अन्य पढ़ाई के अतिरिक्त कोई कार्य कर रहे हैं तो ऐसे सभी लोगों